गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन 10th क्लास मैथ्स लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ चैप्टर 13 सरफेस एंड एरियाज एंड वॉल्यूम, इन लेक्चर फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मूलाज ऑफ सॉलिड्स. फॉर्मूलाज हाउ वी विल फाइंड आउट द TSA, हाउ वी विल फाइंड आउट द CSA ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. एंड आई होप दैट ऑल यू हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज. नाउ इन टूडे लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ वी विल फाइंड आउट द सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. सो फर्स्ट इज व्हाट इज डिड यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. सो सरफेस एरियाज of combination of solid that we will discuss, that is exercise 13. Now what did you mean by the combination of solid? So combination of solids ka meaning kya students, listen. If we have a cap that is in the shape of cone and if we have a cylinder, आपके पास क्या है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, वो दोनों को क्या करवाया आपने, both of them join, then we will get a new solid or not. आपने क्या obtained किया, एक new solid obtained किया, that is known as combination of solids. Combination of solids means combining two or more than two solids, that is known as combination of solids. So what did you mean by combination of solids? Combining two or more than two solids, which is known as combination of solids. For example, if सिलेंडर सिलेंडर इज कंबाइन विथ कॉन एट दैट एंड, इस एंड पे क्या एड कर दिया आपने, एक कॉन को एड कर दिया, दैट इज द कॉन, देन वी विल गेट ए न्यू सॉलिड और नॉट. वॉट सिलेंडर भी है, एक कौन वी है, देन बोथ ऑफ देम ज्वाइन, देन वी विल गेट ए न्यू सॉलिड इन दैट सॉलिड. टू सॉलिड्स आर प्रेजेंट, फर्स्ट इज द सिलेंडर एंड सेकेंड वन इज द कौन. अंडरस्टैंड, फर्स्ट क्या प्रेजेंट है, सिलेंडर प्रेजेंट है, सेकेंड क्या प्रेजेंट है, दैट इज कौन. So that is known as combination, that is the combination of solid, that form combination of solid. Okay, another example, if we have a hemisphere, in that hemisphere we combined with the cone that is cone. So that form meaning क्या है, एक hemisphere को आपने किसके ऊपर put किया है, cone के ऊपर, या फिर cone को hemisphere के ऊपर put कर रहे हो, then we will get a shape either that one that is combination of solid, combination of solid. ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, combination of solid बनेगा. Over that form in that way also, how a hemisphere, hemisphere on upper we put a cone, that also understand. So combination of solids का meaning क्या है स्टूडेंट, if
वी जॉइन टू और मोर देन टू सॉलिड्स दैट इज नोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ वी विल फाइंड आउट द सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. वी कंबाइन सिलेंडर विथ कॉन देन वी गेट ए न्यू सॉलिड. देन हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. आपको इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. हेयर फॉर्मिंग फर्स्ट इज द सिलेंडर, सेकेंड इज द कॉन. सो टोटल सरफेस एरिया दैट सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड सी एस ए ऑफ कॉन विच विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग ये नहीं है कि आपने टी एस ए सिलेंडर का कैलकुलेट कर लिया, टी एस ए कॉन का कैलकुलेट कर लिया, देन बोथ ऑफ देम एड, विच इज रॉन्ग. आपको इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है. सो इस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा आपका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन विच विल गिव द टी एस ए ऑफ सिलेंडर. फॉर एग्जाम्पल रॉकेट कंसिडर करते हैं. ओके, सो इन रॉकेट ए सिलेंड्रिकल पार्ट इज प्रेजेंट एंड सेकेंड वन इज ए कॉनिकल पार्ट इज प्रेजेंट. सो हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑन विच वी विल डू पेंट. जिस पार्ट पे पेंट करना है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हाउ वी विल कैलकुलेट, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन विच विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. नाउ इन दैट केस हाउ वी विल फाइंड आउट द टी एस ए ऑफ दैट सॉलिड. अब इसमें भी क्या कैलकुलेट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है दैट वन सॉलिड. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सी एस ए ऑफ कॉन विच विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. अंडरस्टैंड? सो नाउ वी विल डिस्कस इन डेप्थ ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए कॉन अपर साइड ए सिलेंडर इज प्रेजेंट. देन हाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड. सो टी एस ए ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन. फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द सी एस ए ऑफ सिलेंडर, देन वी विल कैलकुलेट द सी एस ए ऑफ कॉन, देन बोथ ऑफ देम एड, विच विल गिव द टी एस ए ऑफ द सॉलिड. एंड रेडियस आर इक्वल, रेडियस एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड एल इज द स्लेंट हाइट. सो वॉट इज द सी एस ए ऑफ सिलेंडर, 2πRh. सी एस ए ऑफ कॉन इज πRL. देन here pi r is common, then 2h plus l which will come either centimeter or meter, that is the total surface area of that solid. Understand? So easily calculate kar paoge. Suppose that we make a toy is in that shape. So how much cloth is required to make this toy? आपको क्या करना है, ये टॉय है. अब इस टॉय को कवर करना है किससे, क्लोथ से करना है. सो हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टॉय. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, आपको कवर करना है. सो वेयर वी रिक्वायर्ड क्लोथ, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, दैट इज सी एस ए ऑफ सिलेंडर एंड सी एस ए ऑफ कॉन विच विल गिव द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट, here two words are very very important. First point is a cone is surmounted
ऑन ए हैमी स्पेयर. सो व्हाट वी फॉर्म हियर डायग्राम, ए कॉन इज सरमाउंटेड ऑन ए हैमी स्पेयर. मीनिंग क्या है, एक हैमी स्पेयर के ऊपर आपने क्या प्लेस किया है, वी प्लेस हियर ए कॉन. हैमी स्पेयर ऑन दैट हैमी स्पेयर वी प्लेस ए कॉन. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए कॉन इज सरमाउंटेड ऑन ए हैमी स्पेयर. ऑन ए हैमी स्पेयर का मीनिंग क्या है, डाउन साइड जो बेस फिगर होगा, बेस का फिगर होगा वो क्या है, हैमी स्पेयर है. हैमी स्पेयर के ऊपर आपने क्या पुट किया है, कॉन पुट किया है. देन इन दैट केस स्टूडेंट्स हाउ वी विल फाइंड आउट द TSA of that solid. अब इस केस में आपको TSA कैलकुलेट करना है. सो हाउ वी विल फाइंड आउट द TSA? फर्स्टली CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हैमी स्पेयर विच विल गिव द TSA ऑफ द सॉलिड. सो इन दैट केस TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA of hemisphere which will give the TSA of the solid. Okay, and another word is a cone is surmounted by a hemisphere. A cone is surmounted by a hemisphere. Meaning is that here base solid is the cone and we put upper right a hemisphere. क्या किया है, एक cone के ऊपर एक hemisphere को place किया. Meaning of that statement. इसका meaning क्या है, a cone is surmounted by a hemisphere. Meaning क्या है, a cone के ऊपर क्या place किया आपने, hemisphere place किया है. So a cone on upper side that cone we place a hemisphere. In both case total surface area of the solid तो same बनेगा but geometry form different. यहाँ पे base क्या था, hemisphere, upper one is cone, here base is cone, upper one is the hemisphere. Understand? So meaning of these two statements are very very important. In many questions this type of statement you will find in your book. Understand? So a cone is surmounted on a hemisphere, meaning is that cone upper side a hemisphere. A cone is surmounted by a hemisphere, meaning is that on a cone a hemisphere we place. Okay, if you compulsory nahi cone or hemisphere ho, question aa gaya. A सिलेंडर इज सरमाउंटेड ऑन ए कॉन. क्या कर रहे हैं, एक सिलेंडर इज सरमाउंटेड ऑन ए कॉन. कॉन के ऊपर क्या पुट कर दिया, एक सिलेंडर पुट कर दिया. देन यू कैन इजिली फाइंड आउट इट्स TSA. CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कॉन विच विल गिव द TSA ऑफ द सॉलिड. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वन इज next we will discuss one question. Suppose given to you that three small cubes are given and three small cubes when we join then what we forming, a cuboid is forming. Then what is the TSA of that cuboid? आपने क्या किया है, थ्री small cubes को join करवा लिया. After joining you will get a cuboid or not? When we will join two or more than two cubes then resultant solid become a cuboid. In that cuboid length is multiplied by the number of cubes of the each cube, breadth is as it is and height also as it is. उस केस में only क्या, किस में changes होंगे, उसके length में changes होंगे. Never will change in breadth and never will change in the height of the cuboid. Okay? So for example,
3 cubes each having sides 2 meter joining and to form a new solid. Then find the TSA of solid. We joined here 3 cubes. Then after joining them, we form a new solid. But here not given, then which type of new solid is formed. Then how we will find out? Firstly, we forming a 2 cubes. First cube, first cube, second cube and third cube. Then resultant solid is forming a cuboid or not? Resultant kya ban raha hai? Cuboid ban raha hai. Ab dekho is cube ke liye side 2 meter. For that also 2 meter. And for that also 2 meter. What is the breadth? Breadth 2 meter and that is also 2 meter. Because in cube each length, breadth and height will come same. That is 2 meter, 2 meter, 2 meter, and 2 meter. Then if we will join 2 or more than 2 cubes, then resultant figure is the cuboid. So here, so new solid is a cuboid. So in that cuboid, length is 2 plus 2 plus 2, which will come 6 meter. Iske liye length kya banegi? 2 2 2 6 meter. And what is its breadth? Same 2 meter and height also 2. Suppose here we join 8 cubes, then we form a cuboid. Then what is the length of the cuboid? 2 multiply 8, which is 16. Breadth same रहेगी और height same रहेगी. Now TSA of cuboid is equals to 2 multiply LB plus BH plus HL. Calculate करो 2L 6 multiply 2 2 multiply 2 2 multiply 6, 2 12 4 and 12, 2 multiply 28, which will come 56 meters square. Understand? So first type question of exercise 13.1 is that if we will join 2 or more than 2 cubes, then resultant solid we form a cuboid. Understand? Now next type question. In next type of question is given that a conical tent is given and whose base is the hemisphere. Then how we will find out the TSA? Okay, so what? A cylinder is surmounted on a hemisphere in which a radius of base is
7 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ सॉलिड इज 21 सेंटीमीटर. फाइंड TSA ऑफ सॉलिड. सो फर्स्टली वी विल मेक हेयर डायग्राम. वॉट ए सिलेंडर इज सरमाउंटेड ऑन ए हेमी स्पेयर, मीनिंग बेस इज हेमी स्पेयर. हेमी स्पेयर के ऊपर क्या पुट किया आपने? एक सिलेंडर पुट किया है. हेमी स्पेयर, ऑन दैट हेमी स्पेयर वी प्लेस ए सिलेंडर. राइट, अंडरस्टैंड डायग्राम. After that, what is given to you? The radius, base radius is 7 centimeter. That is 7 centimeter. And next point is the total height of the cylinder. Ye total height of the cylinder kya hai? 21 centimeter. But here note given that what is the height of the cylinder? Cylinder ki height kya hai? So how we will find out the height of the cylinder? That O, that is the center of the hemisphere. Now that also form the radius or not? ये भी hemisphere की radius है. So that is also 7 centimeter. Total is 21. That is 7. So what is the height? 21 minus 7 is equals to 14 centimeter. So here our radius is 7 centimeter. And what is the height of cylinder? Height of the cylinder is equals to 21 minus 7 is equals to 14. Now, how we will find out the TSA of solid? So, TSA of solid is equals to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere, which will give the total surface area of that solid. Understand? TSA का meaning है nearest friends. Again, I repeat that. आपको सिलेंडर का TSA कैलकुलेट नहीं करना, इस हेमिस्फीयर का TSA कैलकुलेट नहीं करना. आपको किसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है? दैट सॉलिड TSA. सो इस सॉलिड का TSA क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. सो TSA ऑफ सॉलिड इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. So what is the CSA of cylinder? 2 pi r h. CSA of hemisphere? 2 pi r square. In both one radius is same. So in chapter 13, firstly you will put formula, and in formula you will completely simplify that formula up to where you can simplify. Ab simplify ka meaning kya hai students? Jahan pe common ho, पहले उसको क्या करना है? कॉमन लेना है. देन आफ्टर यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो फ्रॉम हेयर 2 पाई आर कॉमन, देन हेयर एच प्लस आर. नाउ 22 अपॉन 7 इंटू 7, हाइट इज 14 प्लस 7. 7 44 मल्टीप्लाई बाई 21, दैट इज द सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई कर लेना, देन यू विल गेट द TSA of the solid. Understand? So how we will find out the TSA of solid? If we combining two or more than two solids. So उस केस में क्या करना है आपको? Firstly, you will identify that here how many types of solids are present. कितने types के solid present है? Then we will find out the according to question either the CSA of each figure or CSA or TSA of each figure, that is depending on the question. Okay, suppose isi question mein aur kya changes hota hai? If we place here upper right a cone, isme isi same question mein ye changes kar dete hain. If we put a cone, then what is the TSA of that cylinder? So students, iska TSA kya hoga? CSA of cone plus CSA of cylinder plus
CSA of hemisphere which will give the total surface area of the cylinder. So TSA of solid is equals to CSA of cone plus CSA of cylinder plus CSA of hemisphere, which will give the total surface area of that solid. Okay, so solids में क्या करना है, two or more than two solids को join करवाया, अब आपको identify करना है, then which solids are present here, according to this you will find out the TSA. So what is the TSA? CSA of cone pi RL, CSA of cylinder 2 pi RL, CSA of hemisphere 2 pi R square, pi R common, L plus 2H plus 2R, that is the total surface area of that. Understand? So in today lecture we discuss that how we will combining two or more than two solids to get the surface area of that solid. So today you will do exercise 13.1, some questions and some example which you understand. Okay, in next lecture we will discuss different question based on different concept. That is the one more important is Madison capsule. So in Madison capsule how many solids are present, suppose we consider that one. Okay, ये एक solid consider कर लिया. So in that solid how many solids are present? One is the cone, middle one that cylinder. So इसमें ये क्या है, ये नीप इसकी cone की तरह behave कर रही है और ये क्या है cylinder. So इसका TSA कैसे calculate करोगे, CSA of cone plus CSA of cylinder which will give the TSA of that solid. Okay, so that question based on Madison capsule our if given to you that a solid is in the shape of gulab jamun. So in gulab jamun firstly we will identify that how many solids are present, then after we will find out its TSA of the solid. Okay, that we will discuss in next lecture. Thank you.